मुख्य शब्द कीवर्ड्स: जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल, कोयला कोल, पेट्रोलियम पेट्रोलियम, प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पुनः चक्रण रीसाइक्लिंग, दहन कंबशन, संरक्षण कंजर्वेशन, प्लवक प्लैंक्टन, उड़न राख फ्लाई ऐश, अम्ल वर्षा एसिड रेन। हमने सीखा उच्च ताप एवं दाब पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों के रूपांतरण से जीवाश्म ईंधन बनते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन हैं। वनस्पतियों एवं जंतुओं के मृत शरीर से कोयला तथा समुद्री जीवों प्लवक के मृत शरीर से पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई है। कोयला निर्माण में सर्वप्रथम पीट प्राप्त होता है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है। व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से कोयले के ग्रेड उनकी ऊष्मीय क्षमता के आधार पर दिए जाते हैं। पेट्रोलियम का एक निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता क्योंकि यह कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। प्रभाजी आसवन ऐसे द्रवों के मिश्रण के पृथक्करण के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। प्रभाजक स्तंभ में सबसे ऊपर की ओर पेट्रोलियम गैस तथा सबसे नीचे गाढ़ा अवशेष प्राप्त होता है। दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न प्लास्टिक उत्पाद पेट्रो रसायन की ही देन है। अनुपयोगी प्लास्टिक उत्पादों को उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को प्लास्टिक का पुनः चक्रण कहते हैं।